अच्छा स्वामी जी, मसल डिस्ट्रॉफी जो है, कोई कर सके तो फिर दौड़ लगा लो, जॉगिंग कर लो, जो भी कर लो, वो तो मसल्स का सही तरीके से विकसित नहीं होना, इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कमी, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन जो मसल टियर हो जाता है, मसल रप्चर, बहुत सारे लोगों को मसल्स टूट जाती है जो किसी एक्सीडेंट में, किसी और वजह से, तो क्या वो फिर से दोबारा ठीक हो सकती है या वो पहले जैसी मजबूत हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि एक बार मसल टियर हो गई तो साल दर साल उसमें तकलीफ बनी रहती है। तो कितने ही मसल टियर हो जाए, देखो दरअसल ना ये सारी मान्यताएं हैं ना, न जाने कैसे लोगों ने झूठी मान्यताएं घड़ रखी है कि मसल टियर हो गया तो दोबारा ठीक नहीं होगा। मसल को रिपेयर करने के लिए आज हम सोयाबीन का सूप बताने वाले हैं, मसल को रिपेयर करने के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत, मसल को रिपेयर करने के लिए अश्वशिला, जो हमने कई बार पहले भी बताया हुआ, ये अश्वगंधा शिलाजीत और अश्वशिला, ये मसल को रिपेयर करने के लिए ये खा ले, कोई भी एक विकल्प ले ले, लिक्विड ले ले, लिक्विड भी शिलाजीत हमने तैयार कर रखा है, तो ये लिक्विड शिलाजीत ले लें अथवा शिलाजीत ड्रॉप ले लें, अश्वशिला ले लें, अश्वगंधा ले लें, खाली शिलाजीत ले लें। और हमने तो एक इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट, ये भी जो है इम्यून सिस्टम के साथ साथ मसल्स की ट्यूनिंग में, और इम्यूनोग्रिट पाउडर, जीवक, कृष्भक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीकाकोली, अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद, वराहीकंद और बला गिलोय, इसके साथ हमने इसका तैयार किया है इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये इम्यूनोग्रिट वटी और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, बहुत ज़्यादा मसल्स अंदर से कमज़ोर पड़ गए। स्प्रुलिना बड़ा ज़बरदस्त है, स्प्रुलिना और ये मोरिंगा, ये हमने ये जो है इतने ज़बरदस्त चीज़ें हमने तैयार की हैं, और इसका प्रयोजन कोई दवाई बेचना नहीं है, इसका प्रयोजन इतना ही है कि हम लोग जो स्प्रुलिना है ना, ये मसल्स की रिपेयर के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन है। वैसे तो बॉडी वेट के हिसाब से कहते हैं कि आपका यदि 60-70 किलो वजन है तो 60-70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब इतना प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेस्ट ही नहीं होता लोगों को, तो क्या खाएं? आप दो दो गोली सुबह, दोपहर, शाम तीन बार यदि आप स्प्रुलिना की खा लेते हैं तो आपके मसल्स रिपेयर हो जाते हैं। मसल्स और बोन्स पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है जब विटामिन डी और B12 कम हो जाता है, तो उसके लिए आप धूप में बैठें, सप्ताह में एक बार मकई की रोटी खा लें, और अंदर से ये जो विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स, B12, ये जो पूरी एक श्रेणी है, पूरी एक श्रृंखला है, वो न्यूट्रिला डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, ये हमने तैयार किए उन लोगों के लिए जो खान पान में जिनके काफ़ी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, अश्वगंधा शतावरी ले लें, सारे मसल्स रिपेयर हो जाएंगे 100% गारंटेड, और अंदर तक असर आ गया मसल्स के ऊपर तो कपाल भाती के साथ अनुलोम विलोम भी कर लें, और ऑर्थोग्रिट ले लें तो अंदर से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी अष्ट धातुएं ओज तक पुष्ट हो जाती हैं। अच्छा स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर हो जाए तो ओमेगा ले लेना चाहिए। जी, मैं कह रही थी स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से जॉइंट पेन की भी क्या परेशानी हो सकती है? युक्त आप बता ही रहे हैं साथ में, और क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय या अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि मसल पेन और जॉइंट पेन दोनों से दूर रहा जा सके? अब देखो, मसल पेन और जॉइंट पेन होता है ना, तो पांच चीज़ों का हमने पंचामृत बता रखा है, कैंसर के लिए अलग है, पेट के लिए अलग है, खून की कमी के लिए अलग है, स्किन के लिए अलग है। अब ये मसल पेन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और फाइब्रोमाइल्जिया, मसल्स की ट्यूनिंग ठीक ना होना, अब इसमें पांच चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें से दो तीन भी प्रयोग कर ली, गिलोय, एलोवेरा, हार श्रृंगार, निर्गुंडी और सहजना, इन पांच में से दो तीन भी इस्तेमाल कर ली, इनका जूस पी ले तो सारे मसल्स अच्छे हो जाएंगे। मात्र गिलोय और एलोवेरा ही ले लिया, गिलोय की डंडी ऐसी होती है उसको तोड़ो तो टूटती नहीं है, तो ऐसा ये अश्वगंधा के पत्ते ऐसे हैं, इसके पत्ते तो वेट को घटाते हैं
और इसका जो रूट का पाउडर है अश्वगंधा चूर्ण, वो मसल्स को रिपेयर करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये पांच चीज़ों का जूस पी लें, अथवा मैं तो कहता हूँ 40-50 साल के बाद सबको एक एक लेडीज को तो नारी सुधा और जेंट्स को चंद्रप्रभा, ये एक एक खाते रहना चाहिए सुबह शाम। प्राचीन काल में ऐसे छोटे छोटे उपाय किया करते थे। और जेंट्स को अश्वगंधा चूर्ण और लेडीज को शतावरी चूर्ण, ये इतना प्रयोग करते रहेंगे तो जिंदगी में ये दर्द नाम का मर्ज नहीं रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।